ठीक है। देखो तुमको क्या पढ़ाएंगे आज, टेंस कैसे पढ़ाएंगे, आ जाओ। हाँ देख लो टेंस पहले आराम से, बिना टेंस के तुम्हारा गुजारा होने वाला नहीं है किसी किसी का गुजारा होने वाला नहीं है, ना तुम्हारा गुजारा होगा ना हाँ और। टीचरों का गुजारा नहीं होगा। कहीं पढ़ाएंगे तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा वो टेंस चाहिए, इसलिए टेंस अलग से ही पढ़ के रखते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े तब वहां से निकाले काम चला लेना। ठीक है। अच्छा टेंस को बोले जानना पड़ेगा ना, उसके बारे में इंट्रो, सर टेंस है क्या वो, इंट्रो वगैरह क्या वो है, नाम क्या क्या है, क्या वो टाइप वगैरह है, वो जान लो। और टेंस जानने के साथ साथ तुमको थोड़ा सा टाइम भी जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? टाइम। टाइम तो टाइम तो जानवे करता होगा कि टाइम क्या गो, टाइम अगर निकालेगा तो टाइम क्या गो, तीन गो, कौन कौन? हाँ प्रेजेंट टाइम यही ना, दूसरा पास्ट टाइम और तीसरा फ्यूचर टाइम। तीन गो चीज ये तो जान गया इधर कि टाइम क्या गो, तीन गो कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अच्छा सर टेंस भी तो होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हाँ तो भाई समझो उसमें से टाइम उठा लेते हैं, क्या करते हैं टाइम उठा लेते हैं, नाम देखते हैं। ऐसे टोटल देखेगा टेंस टोटल 12 गो टेंस है, क्या वो टेंस है 12 गो, जैसे प्रेजेंट में होता ना तो प्रेजेंट में 4 गो, पास्ट में पढ़ेगा ना टाइम में पढ़ेंगे तो पास्ट में भी 4 गो पड़ेगा, फ्यूचर में पड़ेगा ना फ्यूचर में क्या वो पड़ेगा 4 गो, तो 4 गो इसमें पड़ेगा, 4 गो इसमें पड़ेगा, 4 गो इसमें पड़ेगा, टोटल 12 गो नहीं पढ़ लेंगे। तो टेंसों में वही बात होता ही है, पहले बात समझ लो, तीनों लिख देते हैं। टेंसों में कौन कौन होता है? हाँ प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा और कौन टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है, और कौन होता है? फ्यूचर टेंस होता है। ये तो तीन गो बात समझ में आ गया कि टाइम होता होगा तीन गो, कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और टेंस में क्या होता है तीन गो, वही टाइम को उठा के लाते हैं, तीन गो टाइम में पढ़ेंगे। ये टेंस पढ़ेंगे ना टेंसे को समझोगे, तीन गो टाइम में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टाइम में ही पढ़ेंगे, पास्ट टाइम में ही पढ़ेंगे और फ्यूचर टाइम में ही पढ़ेंगे, तो टेंस उधर से तीन गो नहीं हो जाएगा। अच्छा लेकिन जब प्रेजेंट में पढ़ेगा तो प्रेजेंट में टोटल तुम 4 गो पढ़ेगा, प्रेजेंट में क्या हो पड़ेगा समझना, टेंस का इंट्रो ले लो, टेंस का क्या ले लो, हाँ टेंस का इंट्रो ले लो, थोड़ा सा पहले टेंस के बारे में पढ़ने से पहले जान तो लेते अच्छा रहेगा। अच्छा सर इसका मतलब पास्टो में क्या गो पढ़ेंगे 4 गो, अब फ्यूचर में भी क्या गो पढ़ेंगे 4 गो, तो इसका मतलब टोटल टेंस हो क्या हो गया 12 गो, कैसे हुआ समझ में आ गया ना। अच्छा प्रेजेंट में जो 4 गो पढ़ेंगे सो कौन कौन पढ़ेंगे सो देख लो, जैसे पहला तुम पढ़ेगा पता है कौन, सिंपल, पहला कौन पढ़ेगा सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा कौन पढ़ेगा कंटीन्यूअस, तीसरा कौन पढ़ेगा परफेक्ट, चौथा कौन पढ़ेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, समझ आ गया ना। प्रेजेंट में क्या को पढ़ेंगे 4, यही चारों तुम पास्ट में ही पढ़ेगा, नाम सेम रहेगा, नाम अलग नहीं होगा, और यही चारों तुम फ्यूचर में भी पढ़ेगा। जैसे प्रेजेंट में बोलेगा तो नाम कैसे बोलेगा सो देखो, जैसे बोलना सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बोलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या बोलेगा, तो पहले कंटिन्यूअस नहीं बोलते पहले प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दो हो गया, तीसरा क्या बोलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या बोलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार को नाम याद हो गया। तो इस तरीके से सिर्फ प्रेजेंट को छोड़ दो और पास्ट रख के बोलो तो 4 गो इसमें हो जाएगा, फिर उसी जगह पे तुम फ्यूचर रख के बोलेगा 4 गो नहीं हो जाएगा, पास्ट का बोल के सुनाओ देखो क्या बोलेगा, सिंपल पास्ट टेंस हुआ। अच्छा पास्ट में 4 गो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे हाँ पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट में क्या बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बोलेंगे। देखो क्या बोले थे पास्ट में, बोले थे ना पास्ट में, तो पास्ट में कैसे कैसे बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस में क्या बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट में कैसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और कंटिन्यूअस कैसे बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा ना। अच्छा फ्यूचर में बोल के सुनाओ, फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? हाँ ऐसे बोलेंगे, हाँ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल बनाना क्या होता है, पहले सिंपल ही बोलते हैं तीनों में, उसके बाद बोलते हैं फ्यूचर, उसके बाद बोलते हैं, ये तो सब में लास्ट में बोलते हैं, क्लियर है। जैसे फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे पहले इसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखो टेंस का नाम समझ में आ गया, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी और फ्यूचर में, चार चार करके था, किल हो गया चारों, टोटल 12 को नाम निकला, नाम निकलेगा एक एक करके लाइन वाइज पढ़ लेंगे सारा टेंस, 12 को टेंस पढ़ेंगे ना, 12 को पढ़ेंगे आराम से। सबसे मेन स्टार्ट करने वही सिंपल वाला होता है, नामे के लिए सिंपल है, सिर्फ नामे के लिए सिंपल है, काम सिंपल वाला नहीं है। अच्छा आज सिंपल उठाते हैं, तो पहला टेंस कौन सा हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, क्या हो जाएगा टेंस। ठीक है चलो, कुछ नहीं एक चीज याद रखना कि सब्जेक्ट सब में होगा, सारा टेंस में शुरू में क्या होगा सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा तुमको ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इंग्लिश का भी मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब में होगा और ये भी तुमको क्या होगा, तो मेन जो तुमको सीखना रहता है वर्ब, हाँ वर्ब का खेला है, यही बदलेगा तो टेंस बदल जाएगा। अगर तुम यहाँ पे V1 या V5 कर दिया, क्या कर दिया V5, तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर यहीं पे तुम V2 कर दिया तो हो गया सिंपल फ्यूचर, सॉरी सिंपल पास्ट। यहीं पे अगर तुम शैल विल के साथ V1 कर दिया तो हो गया सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट कुछ भी रहे उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्ब बदलेगा तो टेंस से बदल जाएगा। तो पहला सिंपल प्रेजेंट देख रहे हैं। अच्छा क्या बोले कि हर टेंस में 6 स्ट्रक्चर होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा 6, जैसे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, WH और WH का नेगेटिव, तो सारा देखेंगे एक का पहले अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, हम सबसे पहला किसका देखेंगे, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यस वाला क्वेश्चन, जैसे तुम खेलते हो, मैं खेलता हूं, एग्जाम्पल उठाते हैं हम, जैसे हम बोले कि मैं खेलता हूं, क्या बोले मैं खेलता हूं, तो इसका तुम पहले बनाना मैं का इंग्लिश, क्या बनाएगा मैं का, और फिर किसका बनाएगा, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा आई, और खेलता हूं क्या होगा प्ले, हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। सर पकड़े कैसे, तो लास्ट में ये रहता है ताहू, क्या रहेगा तुमको, तो उसको तुम क्या बोल देगा सिंपल प्रेजेंट। अच्छा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बुला रहेगा तब नेगेटिव। एक एग्जांपल और डाल तुमको, जैसे बोले कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या बोले कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, पहले बनाना मैं का, फिर बनाएगा तुम बोलता हूं का, और फिर बनाएगा अंग्रेजी का, ये तुम्हारा क्या हो गया सब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया वर्ब, ये तुम्हारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है, देखो पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, लेकिन इंग्लिश में वैसा होता है, पहले सब्जेक्ट हाँ उसके बाद क्या है वर्ब, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो इसका बनाएगा तो क्या बनेगा आई, फिर किसका बोलता हूं का ना स्पीक, और अंग्रेजी का ना इंग्लिश। लेकिन अगर मान लो मैं के जगह तुम वह कर देगा, क्या कर देगा वह, लिखो जरा वह अंग्रेजी बोलता है, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा तुमको ही, अब बोलना का स्पीक होता ना, तो स्पीक नहीं होगा यहां पे, स्पीक्स होगा, एस लग जाएगा हाँ, और अंग्रेजी का अंग्रेजी होगा। तो देखो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस देखो, यहां भी वर्ब है यहां भी क्या है वर्ब, लेकिन ये जो तुम्हारा वर्ब है ये वर्ब का पहला है, और ये जो तुम्हारा वर्ब है ये वर्ब का क्या नाम है पांचवा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 वर्ब यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे हाँ, अगर इसका स्ट्रक्चर कहेगा तुम बना बता दीजिए सर पॉजिटिव का, तो पहले तुम बनाना सब्जेक्ट फिर क्या बनाएगा वर्ब। अच्छा वर्ब का यहाँ कौन सा यूज किए पाला, या इसमें कौन सा यूज किए पांचवा, तो 2 यूज करेगा तुम, या तो वर्ब का पाला या वर्ब का क्या पांचवा, और फिर किसका यूज करेगा तुम ऑब्जेक्ट का, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो गया।
तुमसे अगर बोलेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बता तो नहीं बता देगा, क्या हो जाएगा बताओ जरा, सब्जेक्ट हो जाएगा बी वन या बी फाइव या क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बी वन है बी फाइव क्या है तो बोले ना वर्ब फॉर्म सर, बी वन है बी फाइव क्या है वर्ब। हाँ वर्ब में जैसे मेन वर्ब में दो कैटेगोरी होता है पता है ना, एगो किसका क्या नहीं पता है, एगो हेल्पिंग वर्ब का, एगो किसका हेल्पिंग वर्ब, एगो कौन हो जाएगा तुमको मेन वर्ब। तो इसमें जो बात करेंगे टेंस में अभी हम सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब का बात करेंगे। मेन वर्ब का ही पांच गो रूप होता है तुमको, क्या ग्रुप होता है पांच गो, कौन कौन बी वन बी टू बी थ्री बी फोर और कौन सा बी फाइव। तो ये भर्ब का ये पहला वाला और भर्ब का ये पांचवा वाला तुम किसमें यूज करेगा कौन टेंस में, सिंपल प्रेजेंट। सर बी वन कैसा, तो देखो खाना का इंग्लिश क्या होता है खाना का इट, ये बी वन है लेकिन इट का बी फाइव इट नहीं होगा, एस लगा के बोलना। हाँ हिंदी में खाना ही होगा, हिंदी में खाना ही होगा लेकिन बी फाइव कैसा दिखेगा इट्स, एस लग जाएगा। तो बस तुम किस किस का यूज करेगा, भारत का पहला और भारत का क्या मां पांचवा। अब बताओ जैसे बोलना का क्या होता है स्पीक ना, स्पीक भारत का क्या मां हो गया पहला, लेकिन पांचवा लिखना होगा तो स्पीक्स, समझ में आ गया ना। एक बार देखो और मान लो जाना का लिखेगा तो क्या लिखेगा वो, लेकिन पांचवा लिखेगा तो गुज, समझ में आ गया ना। कभी वर्ब का पहला लिखेंगे और कभी वर्ब का पांचवा, तो सर कैसे समझेंगे कब पहला लिखना है कब पांचवा लिखना है, ये बात कैसे समझेगा। हाँ इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा, जैसे कोई नाउन होता है ना सिंगुलर और प्लुरल, तो वर्ब में भी सिंगुलर प्लुरल होता है, ये जो वर्ब का पहला है ये तुमको प्लुरल होता है, ये वर्ब का क्या मतलब होता है पहला क्या मतलब होता है प्लुरल होता है, लेकिन ये जो पांचवा होगा ये तुमको सिंगुलर होगा। देखो सब्जेक्ट अगर तुम्हारा सिंगुलर है तो कौन सा उठाएगा तुम पांचवा, और सब्जेक्ट अगर तुम्हारा प्लुरल है तो कौन सा उठाएगा तुम पहला। तो जरा देख लो यहाँ पे, जैसे हम बोले कि बोले तुमको क्या बोलते हैं, जैसे लिखे बॉय, क्या लिखे बॉय, तो बॉय सिंगुलर की प्लुरल है एक है ना, सिंगुलर है हाँ, तो सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे प्ले की प्लेज, प्ले प्ले की प्लेज, ये देखो सिंगुलर है हाँ, ये तुमको अभी क्या है पुलर है ना, ऐसा नहीं लग रहा है ना, तो पुलर ले तुमको अभी होगा नहीं, नहीं गलती हो गया, इसको सिंगुलर करना पड़ेगा ना, कैसे करेगा सिंगुलर एस लगा दो तो हो गया सिंगुलर, अब तुमको सही हो गया। मतलब कहना यह चाह रहे थे कि सब्जेक्ट तुम्हारा अगर सिंगुलर रहेगा ना तो वर्ब कैसा देगा सिंगुलर वाला, सिंगुलर वाला, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा पुलर रहेगा तो जैसे वॉय की जगह तुम क्या कर दिया वॉयज, वॉयज कर दिया तो प्लेज होगा कि प्ले होगा, प्ले का होगा कि वॉय तुम्हारा क्या है पुलरल, अब प्ले भी तुम्हारा क्या है पुलरल, तो बिना एस वाला क्या होता है पुलरल, एस एस वाला क्या होता है तुमको सिंगुलर, समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना, इसको छाप लो फर्स्ट में पॉज कर लेते हैं। सिंपल पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देख लिया, कति बनल था सब्जेक्ट था भर्ब का क्या मा पाला और क्या मा पचमा और क्या था तुमको ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एगो बोल दो, जैसे बोले तो एग्जाम्पल क्या बनेगा कि मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, एगो एग्जाम्पल बोलना है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं क्या बन जाएगा आई स्पीक इंग्लिश, यही ना, यहां पे चेंज हो जाएगा तो यहां पे भी क्या हो जाएगा चेंज होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वाला आ जाएगा तो वर्ब क्या मा हो जाएगा पांचवा वाला, आप सब्जेक्ट अगर तुमको पुलर वाला आ जाएगा तो वर्ब क्या मा आ जाएगा पाला वाला, क्लियर है ना। अच्छा वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कुछ चार्ट है ना छोटा सा, क्या चाहते हैं कि कहां भी वन लगता है और कहां भी फाइव, तो जैसा बोलो जैसे किसके साथ आई के साथ और किसके साथ यू के साथ और किसके वी और किसके दे, कभी भी बात होगा सिंगुलर की पुलर का पुलर का, इस सबके साथ क्या लगेगा तुमको ठीक है ना बी वन। अच्छा बी फाइव कहां लगेगा ही और सी और इट और कोई भी सिंगुलर, इस सबके साथ तुमको क्या लगेगा हाँ तो वही ना सिंगुलर पुलर हो गया तो बी वन, सिंगुलर हो गया था बी फाइव, इसी चार्ट से तुमको बन जाएगा ना, नहीं बन जाएगा ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और था कि इसका जैसे जैसे बोलेंगे वह क्रिकेट खेलता है क्या बनाएंगे वह क्रिकेट खेलता है क्या बोलेंगे ही प्ले प्ले की प्लेज प्ले क्रिकेट
ई तो समझ में आ गया ना, ये कैसा स्ट्रक्चर है तुमको, पॉजिटिव ये समझ में आ गया। अच्छा सा नेगेटिव देखो, नेगेटिव नेगेटिव में, अच्छा नेगेटिव में कुछ नहीं करना तुमको। देखो क्या होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के वो तुमको नेगेटिव नहीं बनेगा। नेगेटिव बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वी वन कौन वर्ब होता है, मेन। वी फाइव कौन वर्ब होता है, मेन। हेल्पिंग वर्ब है उसमें, हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं। हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो चाहिए तो कहां से लाएंगे, मन से। कहां से लाएंगे, मन से। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, दो वो है हाँ, या तो तुम डोंट का यूज करना, या तो तुम किसका यूज करना, डजन का। इन दो में से एक यूज कर देना, ठीक है ना। अच्छा स्ट्रक्चर बना दो, पहले क्या बनेगा सब्जेक्ट, फिर क्या बनेगा डोंट, फिर या क्या डजंट। अच्छा डोंट और डजंट का क्या रोल है पता है, ये हमेशा अपने बाद भर्व का पहला रूप लेता है। इसके बाद जब भी आएगा क्या आएगा, पहला। इसमें क्या हो रहा था देखो, पचमा भी यूज करते थे ना, हाँ पहला यूज करते, लेकिन नहीं पहला यूज कर लिए यहाँ पे, ये देखो पहला है, ये देखो यहाँ पे क्या है, पचमा है, कर लिए ना। अब यूज करना था सिर्फ पहला, सिर्फ क्या यूज करेंगे पहला, और उसके बाद तुम क्या दागेगा, ये तुमको निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। जरा एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना, बस इसी क्वेश्चन में नहीं लगा दो, इसी क्वेश्चन में तुम क्या करो नहीं लगा, लेकिन लास्ट में तुम ताते थी बोलना साथ में, जो ताते थी बोल रहे हैं ना। किस्मत खराब है, गलत दिन लगता उठा लिए हूं।